हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को i30 लर्निंग सेंटर की फैकल्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि i30 लर्निंग सेंटर के अंदर टॉप मोस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो बच्चों को स्टडी करवाने वाली जो फैकल्टी है जो इंडिया की टॉप मोस्ट उसके बारे में मैं आपको पूरा परिचय करवाऊंगा। इसलिए आप ये वीडियो स्किप मत करना, इस वीडियो को कंटिन्यू आपको पूरा देखना है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि i30 लर्निंग सेंटर में नीट और आईआईटी जीमेंस के लिए जो फैकल्टी है उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये कौन सी फैकल्टी है, कहाँ से है और इनका कितना अनुभव है और बच्चों के साथ ये किस प्रकार से अपना अटैचमेंट करके बच्चों की एजुकेशन को कितना फास्ट डेवलपमेंट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में आप कंप्लीट देखना है कि i30 लर्निंग सेंटर में स्पेशल मोस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी कौन सी है जिससे आपको पूरा परिचय होने के बाद आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा बच्चे का i30 लर्निंग सेंटर में एडमिशन करवाना, क्योंकि आपको हर एक फैकल्टी के साथ मैं रूबरू कराऊंगा कि ये फैकल्टी किस प्रकार से आप लोगों के बच्चों को एजुकेशन के ऊपर कितना अच्छा कमांड इनका है और कितनी अच्छी कमांड के साथ ये बच्चों को तैयार करते हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और अभी मेरा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको बच्चों की पूरी फैकल्टी के बारे में आपको बताऊँ। हाय, नीट और आईआईटी जीमेंस के टॉप रैंक देने वाली शिखर की नंबर 1 फैकल्टी टीम आज मैं आपको आईआईटी की जो टॉप रैंक देने वाली 3 बार शिखर को टॉपर देने वाली आईआईटी टीम की फैकल्टी जो है उससे आपको रूबरू कराता हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अशोक सर जो हैं ये हमारे आईआईटी रुड़की से हैं जिनका एक्सपीरियंस 13 वर्ष का है। 13 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मैथ राकेश सर आईआईटी रुड़की जिनका एक्सपीरियंस 10 वर्ष का है, यानी 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये बहुत ही शानदार फैकल्टी है। इसके बाद हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री MP सर आईआईटी कारंगपुर इनका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, 10 वर्ष से कंटिन्यू ये केमिस्ट्री में अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन और बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। उसके बाद मैं आपको रूबरू कराता हूँ नीट डिवीज़न में। मैं सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में मैं आपको विजिट कराता हूँ कमलेश सोनी सर जो हैं इनका एक्सपीरियंस 20 वर्ष का है। 20 वर्ष से फिज़िक्स में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपना ये अनुभव और अपना जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को इसको एजुकेशन में लेके आए हैं। PG सर 18 वर्ष का एक्सपीरियंस है इनका फिज़िक्स में, बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी के साथ ये बच्चों को पढ़ाते हैं। एनयू सर का एक्सपीरियंस 14 वर्ष का है फिज़िक्स का, ये भी बहुत ही टॉप मोस्ट फैकल्टी, यानी इंडिया की अगर टॉप मोस्ट फैकल्टी में अगर लेके आते हैं तो इनका जहाँ तक है ये नंबर 1 फैकल्टी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में चलते हैं एसएन सर के पास। एसएन सर का अनुभव 15 वर्ष का है केमिस्ट्री का। एसएन सर एक वो भाई सर के नाम से जानते हैं इनको, एक वो हस्ती हैं जो बच्चों के साथ बच्चे बन के रहते हैं, लेकिन बच्चों को जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बच्चों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना अच्छा अनुभव नॉलेज हो जाता है कि उनको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। GTS सर जिनका एक्सपीरियंस 15 वर्ष का है, 15 वर्ष से ये बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। ML सर जिनका एक्सपीरियंस 11 वर्ष का है, 11 वर्ष से ये बच्चों को बहुत ही शानदार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अख्तर सर जिनका एक्सपीरियंस 16 वर्ष का है, 16 वर्ष से ये कंटिन्यू बच्चों को बहुत ही शानदार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं मैंग सर का एक्सपीरियंस 15 वर्ष का है बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में। मैंग सर ने बायोलॉजी की कमांड में इतना अच्छा अनुभव बायोलॉजी में मुझे नहीं लगता है कि शिखर में कोई फैकल्टी होगी। मैंग सर बहुत ही शानदार, आज तक बच्चों के दिल में जगह बनाने वाले बायोलॉजी के सबसे टॉप टीचर हैं। DK सर जिनका एक्सपीरियंस 11 वर्ष का है, विकास सर जिनका एक्सपीरियंस 10 वर्ष का है, सुनील सर जिनका एक्सपीरियंस 5 वर्ष का है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, यानी शिखर की टॉप मोस्ट फैकल्टी में अगर आप अपन बात करते हैं तो वो आज के दिन अगर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ i30 लर्निंग के पास। इसने सारी फैकल्टी का जो है टॉप फैकल्टियों को